बहुत दिन से हमने डमाडस मेंडस को नहीं उठाया पागलों की तरह, तो आज चलते हैं डमाडस मेंडस को पागलों की तरह से उठाने। पहले ही भाग के तुझे आवाज कैसे आ गई? ये तुझे आवाज कैसे आई? मैंने अपना रूम बंद करके बोल रहा था, इसको पता कैसे लगा कि मैं इसको उठाने आ रहा हूँ पागलों की तरह। डमाडस मेंडस, तूने सुन लिया कि मैं क्या बोल रहा हूँ? रोज 4 बजाते हैं, आज इसको मैंने 12 बजे ही उठा दिया। चल जल्दी फ्रेश होकर आ, कुछ नहीं बोल रहा, आ जा। तो आज हमें जाना है डमाडस मेंडस का पीसी लेने। डमाडस मेंडस को अपना स्टूडियो बनाना है और पता नहीं क्या क्या करना है, तो डमाडस मेंडस के आज हम पूरा सेटअप देखने जाएंगे, क्या पता ले भी लें अगर अच्छा लगा तो। सो वेलकम बैक टू दी न्यू ब्लॉग। फर्स्ट टाइम अपना किचन दिखा रहे हैं, यहाँ पर बन रहा है मेरा पराठा और यहाँ बन रही है चाय। तो ये सबा बना रही है, थैंक यू सो मच। जला नहीं देना, जलने की बात आ रही इसमें से। नहीं यार, ये आप चुप जाओ, नाश्ता बनता है फिर दिखा। अबे क्या बोल रहा है, पकड़ो। चाय पिएगा? इसको भी चाय बना के दो भाई। अभी हम वेट कर रहे हैं नाश्ते का। नाश्ता करने के बाद हम जाएंगे घर पर और घर पे जाके भैया को उठाएंगे। भैया को उठाने के बाद डमाडस मेंडस और मैं और भैया जाएंगे डमाडस मेंडस के पीसी के लिए। सो फटाफट से नाश्ता आ गया, बस इधर जल्दी जल्दी आ गया है भाई नाश्ता। अरे ये शेडो कैसे आ रहा है? पंखे का शेडो है भाई, पंखे का। सो फटाफट से करते हैं भाई नाश्ता। अरे गेट तो खुला ही छोड़ दिया। अरे शिट, बज गई। अस्सलाम वालेकुम मॉम, कैसी है माय मॉम? उठे हुए आज तो। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाल्लाह भाई माशाल्लाह। उठे हुए रोज ही उठते हैं? रोज नहीं उठते, आज उठे मिले आप मुझे। आज जल्दी उठ गया था। जल्दी उठ गया ना? क्या टमाटर मिंडस ये नहाने गए भाई? अबे टमाटर मिंडस फिर तू नहाने चले गया? कल भी नहाया था, आज भी नहा रहा है। बहुत साफ रह रहा है तू आजकल। निकल अबे, कहाँ निकल, जल्दी भरो। कौन आ गया? अबे कपड़े कहाँ जो बोली थी ये फंक्शन है आज, पता नहीं कुछ कहाँ गए फिर वो? तो रखे हैं, मैं दूंगी। अच्छा मतलब फंक्शन अच्छा हुआ? बहुत अच्छा हुआ। सच में? सच्ची। सबने बोला टीचर ने तारीफ की फरिया की? नहीं। तारीफ फरिया करो यार। अरे भाई क्या मतलब? क्या मतलब यार? सब ताली बजाते हैं। चलो फिर ठीक है, फिर ठीक है, फिर ठीक है भाई। गिफ्ट आया यहाँ पर तो थैंक यू सो मच। मैंने पहले ही ओपन कर लिया तो देखा तो इसमें था फरिया पापा और मैं। तो मेरे कमरे में लगेगी? आप तुम्हारे कमरे में लगेगी, पहले वाली तो हम अपने कमरे में ले गए थे, ये तुम अपने कमरे में लगा लेना। चलो जाओ लगा लो अपने कमरे में। जल्दी जल्दी डाल दो यार, देखो हमें भी खाना है। बोटी फंसी, रुको रुको बोटी निकालो। बोटी नहीं चढ़ाइए, ये बोटी नहीं जानी चाहिए इधर। हलीम की बोटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि हलीम में वैसी बोटियां कम होती है। चम्मच में जो भी बोटी फंसे फटाफट से निकाल लो। गुड गुड गुड। सो फटाफट से भाई खाना खाते हैं। खाने में हलीम रोटी कहाँ जा रहा है? अबे तेरे हाथ में क्या है? नोट है। बाय 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 भाई। डमाडस मेंड, अरे इसको क्या हुआ, क्या हुआ बेबी? डमाडस मेंडस को मैं ये बोल रहा हूँ, डमाडस मेंडस कितना खुश हुआ डायरेक्ट पहले भाग के नीचे, वरना उतरता था लेट। इसका काम हो रहा है ना जब भी। अरे कहाँ से बैठूंगा मैं, आगे करो। एक बात मैं पहले ही बता दूं, मुझे टेक के बारे में फिलहाल कुछ भी नहीं पता कि कौन सा सेटअप लगता है उसके अंदर और कौन से ग्राफिक कार्ड लगते हैं, कौन सा क्या क्या लगता है। मुझे तो नाम भी सही से नहीं पता कि डमाडस मेंडस पूरे दो एक हफ्ते एक महीने से लगा हुआ था इसके पीछे, तो इसको ज्यादा पता है। तो इसको जब ही साथ लेके जा रहे हैं ताकि ये अपना पीसी खुद ही अच्छा ले। भाईजान पहुंच गए भाई प्लाजा। अब हमें ढूंढनी है भाई कंप्यूटर की कोई अच्छी सी दुकान जहाँ पर हमें मिल सके कोई बेहतरीन सा सब कुछ सब कुछ। अभी तो हम फिलहाल जगह ढूंढ रहे हैं, पीछे रिवर्स में जा रहे हैं, आगे जगह ही नहीं है, कहीं गाड़ी उठा के ले जाएं गलत खड़ी कर दी तो। ये हम गली में घुस गए भाई पार्किंग देखते हुए। रोड पे तो बिल्कुल भी पार्किंग नहीं है, अगर गलती से कहीं लगा दी तो गाड़ी उठा लेंगे। देखो देखो यार यहाँ से भी उठा लेंगे, नहीं यहाँ नहीं लगाओ, शायद ये तो नहीं है पार्किंग ऊपर जाने का रास्ता। पूछो से पार्किंग यही है नाश प्लाजा की पार्किंग। अरे कंप्यूटर शॉप पे जाना अंदर। तो भाई वहाँ पर देखो फरारी पार्क हो रही है, मिल गई पार्किंग। हम भाई जान आ चुके हैं, इधर सारे लैपटॉप पीसी लैपटॉप्स पुराने सारे यहाँ पर पीसी सब लगे हुए। देख तो कंप्यूटर मार्केट भी यही है। आ हा 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 आ हा हा, सारे यूज में ये सारे यूज में। चलो चलो आगे चलो, चलो 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 चलो। भाई जान पहुँच गया है दुकान के ऊपर या बाहर? दुकान के बाहर। अभी हमें देखना है कि कौन सा सीपीयू चाहिए कौन सा नहीं, तेरे को सब पता है ना, कहीं उल्टा ना लगवा दियो। मैं बताऊं, एक गेमिंग पीसी के लिए आपको ग्राफिक कार्ड चाहिए होता है 20 GB का। 20 GB का ग्राफिक कार्ड, रैम चाहिए होती है। अबे भाई जीबी होती ही नहीं है ग्राफिक कार्ड में, जीबी नहीं होती ना भाई ग्राफिक कार्ड में। नहीं जीबी नहीं होती, एमबी होती है। एमबी होती है यार, देखो बेटा खराब बन गया ना, मसला हो जाएगा। जी को बनवा के दे देंगे, यही काम करेगा। 5:30 हो चुके हैं, हमने 2-3 घंटे क्या किया, हमने ऑफ कैमरा सिर्फ और सिर्फ पीसी की डिटेलिंग ली
और सीपीयू की डिटेल ली, जितने भी ग्राफिक कार्ड्स वगैरह हैं और रैम वगैरह और मदरबोर्ड वगैरह और ये कोर पता नहीं क्या क्या सीपीयू ये वो, इसमें हमें लग गए 3 घंटे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह भाईजान सब ले लिया सब ले लिया। बस आपको अब देना छोटा सा रिव्यू, सारा सामान यहाँ पर आते जाएगा और हम देते जाएंगे क्या क्या चीजें क्या क्या चीजें नहीं है, ताकि जो टेक वाले हैं उनको भी समझ आए। बिगनर के लिए तो फिलहाल नहीं बनाया हमने, ये बहुत अच्छा पीसी बनाया है, तो आप सुनेंगे ना पता लग जाएगा। सो या वेट करें, आप ये कार्ड देख रहे हैं RTX 3050, ये कितने का है भाई? बजट के हिसाब से हमारे इसका जो लेटेस्ट है 3090 वो 4.5 लाख रुपए का है। 4.5 लाख रुपए का कार्ड गेमिंग का? गेमिंग का। तो हमने कौन सा लिया होगा ये आपको अभी पता लगेगा। ओ भाई साहब क्या प्लेटर आया है भाईजान, भाई ने बोला जब तक आपका पीसी आ रहा है तो पहले आप खाएं, ये हमारा यहाँ का स्पेशल प्लेटर। चेक करते हैं, पहले खाते हैं ताकि आराम से हम अपना ये बना सके पीसी। और बाहर आप देख सकते हैं हल्की हल्की रात होने वाली है और अभी भी यहाँ पर मुझे लगता है यहाँ पर हमें 10 से 11 बज जाएंगे। लंबी खुवारी कर टमाटर में तो लंबी खुवारी। मैं भी तो जाता हूँ। अच्छा बदला ले रहा हम इसके बाद जाते दो, अभी सब बताऊंगा इसको घर जाके बताओगे ना, अभी तो कुछ नहीं बोल लेना इसको। क्या पीसी बनने के बाद अपन व्लॉग में नहीं दिखेगा, पीसी के ऊपर 24 घंटा बंद मारे वापसी रखवाओ आएगा नहीं इसको मारेंगे। लाइव स्ट्रीम जब कर रहा हूँ ना ये, इसको वही धोएंगे। अब बोल डन हो गया, अब उठेगा हमारे व्लॉग में आएगा। हाँ अब आएगा। तो भाईजान खाना खा लिया है, एक चीज दिखानी बाकी रह गई है भाई, क्या हो सकती है वो चीज? लव, इसका तो लव ही, इसका लव होगा वहाँ। 1 2 3 ओ माय गॉड। हम चलते हैं भाई, जो जो हम चीजें लगा रहे हैं कुछ कुछ चीजों के नाम पता है, कुछ कुछ चीजों का नाम नहीं पता, बाकी देखने में इतना लव लग रहा है, जो गेमिंग लवर होंगे उनको ही पता होगा ये सब चीजें। बता देंगे क्या क्या चीजें हैं, ये कौन सा है, ये क्या ये क्या ये क्या। सारी डिटेल दे देता हूँ जो जो चीजें आप ले रहे हैं। सबसे पहले आप हम जो यूज़ कर रहे हैं कोर i7 की 12th जनरेशन आपके पीसी के लिए, बिल्कुल ठीक है। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राफिक्स कार्ड जो हम यूज़ कर रहे हैं वो RTX 3050 Zotac यूज़ कर, बिल्कुल। हमारे पास इसके अंदर 16GB RGB मेमोरी है, 200 MHz 256GB की हम M2 इसके अंदर NVMe यूज़ कर रहे हैं, मदरबोर्ड गीगाबाइट का 2660। हम लिक्विड कूलर यूज़ कर रहे हैं Lianli का डुअल फैन वाला, 550W का पावर सप्लाई यूज़ कर रहे हैं। केसिंग हमने ली है Zigmatek की Aquarius S White, केसिंग तो लव है आप देख सकते हैं, AOC 165W सही, और एक RGB मैकेनिकल कीबोर्ड माउस का कॉम्बो भी है। डेटा स्टोरेज के लिए हमने 2 TB के लिए, 2 TB भैया जी हमारा जो पीसी है वो बनने वाला है बहुत ही एक्सट्रीम लेवल का, लेवल होने वाला है बस। तो अभी यहाँ पर बस सब कुछ सामान रेडी हो रहा है, उसके बाद ये शिफ्ट हो जाएगा CPU के अंदर और देखते हैं कैसे कैसे शिफ्ट होता है। भाई हो गया सारा काम, जल्दी जाओ गाड़ी लेकर आओ, वहाँ पर ये उठा के लेके जाना है, इतना भारी ला रहा। वरना इतनी दूर जाना पड़ेगा जहाँ पार्किंग की हमने। एक चीज तो बताना ही भूल गया यार, जहाँ से मैंने ये CPU PC और जितनी भी चीजें ली है ना, अंदर के कार्ड्स वगैरह ये वो सब मैंने लिया है TechZone से। मैं सच बताऊँ मुझे बाहर जो रेट मिले थे ना वो बहुत ही हाईएस्ट मिले थे, और जो मैंने यहाँ से रेट में लिए ना बहुत ही क्या बोलते हैं उसको रीजनेबल प्राइस में मुझे मिल चुका है। और थैंक यू, सबसे पहले तो एंगेज करूँगा, थैंक यू सो मच भाई, बहुत अच्छा दिया आपने, वरना अक्सर लोग पता है क्या करते, पागल बना देते हैं और हम बन भी जाते हैं। भाई ये है भाई बीस पीसी। जब भी आप लोग को पीसी बनाना हो तो TechZone पे कॉन्टेक्ट करें, नंबर वगैरह और जो भी चीज़ होंगी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अबे क्या चेक कर रहा है अबे? अबे लाइट चेक कर। अबे वाह भाई और चेंज कर। अरे ये देख, अबे ये देख, अबे तू लाइटों से खेलेगा क्यों? अबे ये देख क्या, अबे क्या लाइट चेंज हो रही है। इसने तो भाई दो मॉनिटर लिए, एक कर्व लिया है और एक स्ट्रेट लिया है। कर्व हल्का सा कर्व है वो भाई। भैया तो फिलहाल बाहर ही खड़ा हुआ ताकि गाड़ी ना उड़ जाए, तो वो भी आ जाता तो गाड़ी गायब हो जाती। तो अब इसको फटाफट से उठाना है और वहाँ लेके जाना गाड़ी तक, तो बनकर फटाफट इसको भाई चलता हुआ लेके जाएगा क्या टपाटस। पकड़ो भाई पकड़ो, बहुत भारी, अगर हल्का सा भी स्लिप हुआ या गिरा तो बहुत बड़ा मसला हो सकता है, टूट सकता है। अभी बिल्कुल न्यू बना है, इसको छोड़ के जा रहे हैं, पहले वो रख कर आते हैं फिर ये लेकर जाएंगे। सीट पे आएगी भाई, ये तो पूरा ही फुल हो गया CPU, मुझे लगता है उसके अंदर आएगा, अंदर ही आएगा। लाफे, थैंक यू सो मच। तू कहाँ बैठेगा, जगह ही नहीं बची इधर। अबे है जगह, टमाटर पेंडल्स का एक ही नीचे होगा एक ऊपर होगा। चल फाइनली, अबे फाइनली फुली जाम, वैसे इतना लेट होगा हम तो।
और ट्रैफिक भी फुली जैम। होए 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 होए, मैं सर्विस रोड पे खड़ा हुआ हूँ, मैंने हल्के से दरवाजा खोला, पीछे से बाइक वाला फिर मुझे बोल रहा है क्या कर रहे हो, मतलब उतनी देख रहा कितने कोने से चला रहा है बाइक, देखो ना कहाँ कहाँ से यूं, ये पूरी पार्किंग का रोड है भाई। मैं गुस्सा कर रहा था। हाँ बोल रहा है देखो तो, मुझे बोल रहा है देखो। हाँ गलत खुद था वो, गलत खुद है वो, इतनी कोने में क्यों आ रहा है। चलो काम हो जाए भाई, तो गुस्से में आ गया। गुस्से होने शान डोगेश क्या डोगेश गुस्से में क्यों आ रहा है, क्योंकि हम लोग कब से बैठे हुए यहाँ पर, ढाई या तीन बजे से बैठे हुए हम यहाँ पर कम से कम, तो अभी टाइम हो रहा है 9 बज गए भाई। ये तेरी इसको टमाटर मिलत में इधर करवा दी भी, इतनी देर करवाई है। अच्छा है ना निकल गया एक दिन का काम। फाइनली भाई पहुंच गए घर, क्या करें इसका, पे जल्दी बता, इसको यहीं रखो थोड़ी देर बाद लेकर जाएंगे। 346 मिनट्स लेट है भाई, सामान सारा गाड़ी में रख के जा रहे हैं और इतना लेट होगा ट्रैफिक में, इतना लेट होगा तो डायरेक्ट चलते हैं और डायरेक्ट देखते हैं टाइम। इधर फ्लोर पे वेट कर रहे हैं, घर पे ऊपर आए हुए और आप एक घंटे से नीचे ही खड़े हुए थे, आ ही नहीं रहे। एक तो इतना थक गया, इतनी देर बाद आए हो यार आप। नीचे लोग आए हुए होते हैं, सबसे मिलना होता है, पिक्चर्स वगैरह ये वो। आज तो मुझे सबने पकड़ लिया, क्योंकि वैसे हम लेट आए और सबने बोला कि पिक्चर के जाए अगर जाने नहीं देंगे, तो सबने पकड़ लिया। मैंने भी टाइम मेरे को एक घंटा लगे नीचे, एक घंटा नीचे तो क्या व्लॉग बनेगा फिर हमारा। 11 बजने में सिर्फ 15 मिनट रह गए। पार्सल वगैरह चॉकलेट्स वगैरह थैंक यू सो मच जिसने भेजा है। क्या दिखाओ इसमें किसने की भेजा भाई, थैंक यू सो मच जिसने भी भेजा भाई, थैंक यू सो मच बहुत। अरे इसको भी चॉकलेट दे दो यार, तुम भी ले लो चॉकलेट भाई, ये लो यार, बहुत थैंक यू बहुत यार। इधर आके फौरन से लेट गया, मुझे नीचे उड़कर आ गया तू। अबे सब ने मुझे पकड़ लिया बे, बोले टमाटर स्पीड से जुड़ हुए। अबे जो मैं नीचे अभी सिर्फ देख, बात सुन, वहां मैं अलग खड़ा हुआ, नीचे अभी अलग खड़ा हुआ। तू टांग दबा, 7 बजे से उठाऊंगा तू, फिर तू भी फिर भी 10 बजे के 12 बजे उठा। चल थैंक यू सो मच, जल्दी जल्दी दबा सही से दोनों हाथों से जल्दी। गुड हो गया टमाटो स्पिनर्स, कब करना है असेंबल वगैरह सब, ये अभी जाकर रखते हैं ऊपर फिर कल करेंगे। पता लगा आपको टमाटो मिलने का पीसी आ गया नीचे, बहुत खुश होकर आ रहा था, मुस्कुराहट। यही तो बच्चों का है, गेमिंग पीसी लगा दो, मोबाइल अच्छे से ला दो, खुश हो जाते हैं। क्यों गुस्सा आ रहा है, गुस्सा बताओ। ये लोग कब से आए हैं और आप नीचे ही खड़े हुए थे। मैं मना करके थक गया हूँ, नीचे नहीं आए। अब मैं क्या कर सकता हूँ, बहुत सारे लोग नीचे आए हुए थे, क्या करूँ मैं बताओ। मिलने से मना नहीं है, पर रोज रोज थोड़ी इस तरह होगा कि आप दो घंटे नीचे ही खड़े रहेंगे। ये दो घंटे तो बहुत बुरी चीज है भाई, क्योंकि इतने सारे लोग थे ना, सबने घेरा बना लिया था। पहली बात तो ये है कि मैं मना कर रहा है कि घर के नीचे बहुत प्रॉब्लम्स हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर लोग रहते हैं भाई, वो मुझे बोलते हैं कि बिल्डिंग के नीचे रश क्यों लगा हुआ है। अभी मैं क्या करूं, व्लॉग में बोल थक गया, पता नहीं लोग नहीं समझ रहे शायद कि यार बिल्डिंग के नीचे आना अच्छा नहीं होता किसी की भी। अगर प्यार करते हो तो मेरी बात सुन लो, कि प्यार करते हो कि बिल्डिंग के नीचे नहीं आना चाहिए। आज मैंने बहुत सुनी है भाई नीचे लोगों से, कहीं वो ये ना बोलें कि भाई अब यहाँ से निकलो जाओ, इस तरह भी हो सकता है यार, ख्याल करें मेरा प्लीज़। तो बस इस व्लॉग को जरिए एंड करते हैं, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। सुबह 7 बजे से उठाऊँ सो आँखें बिल्कुल, और मुंह कुछ भी नहीं धोएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर, सब्सक्राइब लाजमी कर दो, करो लाजमी, ठोको यार, ठोको ऐसे करके। उई उई उई, अरे मैं उनको बता रहा हूँ भाई, बता मेरे को। ओए 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 ओए, ये टाइड है ये, अब तू बोल ठोको ठोको। रात के 2 बजे ये सारा सामान लेकर आ गया भाई जान, वाह भाई वाह 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 वाह। तो यहाँ भाई शिफ्टिंग हो गई इनकी, सो कल के व्लॉग में आप देखेंगे कि किस तरह लगता है ये। अच्छा है सब बंद हो, परसों देखेंगे। अरे कल बंद होगा? अबे हाँ 23rd March। अरे बंद भी हो सकता है, जैसे खोलना चाहिए, लोग रोडों पे बहुत बार निकले होते हैं सामान भी ले लें। ये खोल ले, हाँ हमारे लिए नहीं, मतलब लोग घूमते फिरते ना, कहा सामान भी ले लें, लेकिन बंद कर देना। सब एक एक करके दुकानें खोल दूंगा। अब वाह, बस ठीक है बाय बाय।